व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिवेश स्टूडियो एंड वेलकम बैक टू वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ रिव्यू इस सीधा पता नहीं क्या इस ट्राइपॉड का। ये काफ़ी बड़ा है तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करेंगे। और मुझे कब से इस तरह का कोई बड़ा प्रोफेशनल ट्राइपॉड चाहिए था, तो प्रोफेशनल है। सो लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग। सो गाइस, ये है इसकी फ्रंट साइड, ये है इसकी लेफ्ट साइड, ये है इसकी बैक साइड, ये है इसकी लास्ट साइड। इसकी लास्ट साइड है, इसके बाद हम इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स को देख के काफ़ी अच्छा बॉक्स लग रहा है ओपन करने में। जब ओपन करेंगे तो कैसा होगा, आई डोंट नो। सो लेट्स स्टार्ट। रेड कलर में मैंने मंगवाया, तो बॉक्स खोलते ही हमें इसके अंदर एक और पैक मिल जाता है। ये जिप टाइप पाउच है इसका, कैरिंग केस। आप इसके अंदर आके इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर वैसे भी। और वैसे ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, काफ़ी ज़्यादा नहीं, प्रीटी मच हैवी है ये। तो थोड़ा सा गंदा हुआ है, तो लेट्स ओपन इट। दैट्स द फर्स्ट लुक ऑफ ट्राइपॉड, प्रोफेशनल ट्राइपॉड, रेड कलर में, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। इसको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद इसको खड़ा करते हैं, क्या ये हो जाता है। यस, ये स्टिल खड़ा हो जाता है। और सामने इधर ब्रांडिंग दी गई है, एज यू कैन सी वो ब्रांडिंग है। और इधर पता नहीं कोई कोड लिखा हुआ है, आई डोंट नो। वीडियो पॉज करके अगर आपने एडिट करना है तो आप कर लें और आगे बढ़ते हैं। और ये काफ़ी लाइट वेट है। और एक और बात, इसके साथ आपको माउंट नहीं मिलेगा, आपको माउंट सेपरेट लेना पड़ेगा। और अगर हम इसको खोलते हैं तो ये लुक है, ये न्यूज़ को हिलाने के लिए, यानी कि जो आपने वीडियो शूट करनी है उसके लिए। और इस ये इसके वो हैं, इसको ओपन करके, इसको इस क्लिप को खोल के आप इसकी टांग लंबी कर सकते हैं। और ये इसका एक कैरिंग है, ये इसको आप पकड़ के यूँ अपने ट्राइपॉड को लेके जा सकते हैं। और ये चीज़ यहाँ से भी आपका ट्राइपॉड जो है काफ़ी लंबा हो जाता है। वहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप एयर, तो यानी कि एक इसकी मिनिमम होती है लाइन, वहाँ पे आपको जाके इसको स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो ये है, इसको आप लूज़ करेंगे, लूज़ से ये ज़्यादा सही रहता है। अगर आपने इसको स्टिल कहीं पे रखना तो आप उसी चीज़ को राइट साइड की तरफ ही घुमाकर टाइट कर सकते हैं, एज यू कैन सी। फिर ये ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, काफ़ी ये टाइट हो जाता है। और इसकी लाइट राइट लेफ्ट साइड वो यूं ही रहेगी, क्योंकि वो अगर आप कोई सिनेमैटिक सीन ले रहे हैं, यानी कि कोई सिनेमैटिक शॉट ले रहे हैं, तो उसके लिए वो सही है। वो ब्लॉक नहीं होता, वो रहता, आप उसको जितना भी टाइट वगैरह कर लें वो रहता, ऊपर नीचे का ब्लॉक हो जाता है, राइट लेफ्ट का ब्लॉक नहीं होता। लेकिन फिर भी वो हिलता नहीं है, मतलब कि अपनी पोजीशन से, अगर आप कोई स्टिल वीडियो शूट कर रहे हैं तो वो हिलेगा नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको लूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वो वहाँ से आगे की तरफ लूज़ होता है, पीछे की तरफ टाइट होता है, तो इसको लूज़ कर लेते हैं, यस। और ये जो चीज़ है, इसको अगर आप लेफ़्ट राइट की गर्म दबाएंगे ये लूज़ हो जाएगा। और अगर आपने मोबाइल सीधा करके कोई वीडियो शूट करनी है तो वो उसके लिए है। एक मिनट, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा मोबाइल, यूँ रख के अगर आपने कोई शूट करनी है तो वो शूट हो जाएगी। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। एंड चलें आगे बढ़ते हैं, इसको टाइट करते हैं पहले। अब आगे बढ़ते हैं, और ये जो हुक का आपको नज़र आ रही है, बेसिकली इस हुक को जब आप निकालते हैं, सो एज यू कैन सी अभी हम हुक को निकालेंगे। हुक को निकालना तो आसान है, पर वापस जाना थोड़ा सा मुश्किल है। और हुक के नीचे एक वो बनी हुई है,
ठीक है, उसके नीचे भी आप एक एक्स्ट्रा माउंट लगा सकते हैं, मोबाइल के लिए आप ये लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो है वैसे प्रोफेशनल डीएसएलआर के लिए, जो कि मैंने मोबाइल के लिए मंगवा लिया, इंशाल्लाह डीएसएलआर भी ले लूँगा। तो नीचे आप ये मोबाइल के लिए एक माउंट लगा सकते हैं, माउंट लगा के नीचे आप मोबाइल से शूट कर सकते हैं, ऊपर डीएसएलआर से दो शॉट हो जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जैसा कि मैंने कहा, इसको उतारना मुश्किल है, उतारना आसान है, लगाना मुश्किल है, तो चलो इसको लगा लेते हैं पहले। एंड गैस, ये जो चीज़ है, ये जो मुझसे नीचे गिरी है, ये ऊपर का इसका होता है, इसको आप निकाल भी सकते हैं, कि अगर आपने वो जो चूड़ी होती है वो चेंज करनी है, अगर आपका कैमरा कोई बड़ा प्रोफेशनल है, ज़्यादा बड़ा कैमरा है डीएसएलआर की बॉडी, तो इसलिए आप वो चूड़ी एक्सचेंज भी कर सकते हैं। पर इसके अंदर एक छोटी सी एक पॉइंट होता है, वो नहीं आप कर सकते, वो हर डीएसएलआर के अंदर ही एक होल बना होता है, उसके अंदर वो जाना होता है लाजमी। तो मैं इसको लगा लेता हूँ और अब हम कुछ सिनेमैटिक शॉट्स कर लेते हैं इसके। सो लेट्स स्टार्ट सिनेमैटिक सीन्स।